गाइज वेलकम ऑन मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों आपके अपने मित्रा ग्रुप ऑफ यूट्यूब चैनल्स पर आपका स्वागत है और आज हम एक नई क्लास लेके आए हैं। ये लॉ से रिलेटेड क्लास है और आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बहुत ज्यादा हाइतोबा मची हुई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है हम आपको ये बताएंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लागू होना चाहिए हम ये भी बताएंगे। जितने भी पार्टियां हैं देश में वो सभी ये कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानेंगे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मानते हैं इसका मतलब ये हुआ कि भारत की कोई भी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अनुसार कोई एक्ट लाएगी या कोई बिल लाएगी तो उनको उस पार्टी के उस बिल को एक्ट को मानना पड़ेगा, उसको समर्थन देना पड़ेगा। अगर उनके अपने कोई सुझाव हो तो वो सुझाव सबमिट कर सकते हैं। अब ये आज की पूरी क्लास जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बेस है और इसको हम अच्छे समझाएंगे, जिसको हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। इसका मतलब ये है कि भारत यानी कि हिंदुस्तान में जितने भी नागरिक रहते हैं सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए और एक तरह के जो है प्रॉपर्टी वगैरह के संबंधित अधिकार होने चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स का जिक्र किया हुआ है, ये पूरा का पूरा पार्ट्स नागरिकों को जितने भी भारत के सिटीजन हैं चाहे वो किसी भी धर्म को प्रोफेस कर रहे हैं मान रहे हैं पूजा पद्धति अपना रहे हैं उन सब के लिए जो है ना समानता है आपस में, उनमें कोई अंतर भेदभाव नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान भाग 3 मौलिक अधिकार, इनको ध्यान में रखते हुए सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना पड़ रहा है। आइए हम इसके कुछ प्रावधान का कुछ फंडामेंटल राइट्स का जिक्र करते हैं ताकि लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी हो जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों रिक्वायर्ड है। ये आर्टिकल 14 है अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये क्या कहता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के सामने भारत के सभी नागरिक समान है, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी जो भारतीय अक्षेत्र है उसके अंदर जितने भी सिटीजन हैं चाहे वो लेडीज हैं यानी फीमेल हैं या मेल हैं, उन सब के लिए समान अधिकार होना चाहिए और वो किसी भी धर्म को चाहे वो इस्लाम को मानते हैं चाहे वो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं चाहे वो जैनिज्म को मानते हैं चाहे वो बुद्धिज्म को जान या और कोई फारसी पारसी हो, कोई भी वो अपना धर्म प्रोफेस कर रहा है उसमें उसको स्वतंत्रता है, लेकिन वो जो ना कानून के दायरे में समान होना चाहिए। अब जो इस्लाम में है ट्रिपल तलाक ये गलत है, ये जो है ना असमानता दिखाता है। जो हिंदू कोड है हिंदू बिल है लॉ ऑफ हिंदू उसमें जो है ना तलाक एक कानून प्रक्रिया के तहत लिया जा सकता है, ऐसे नहीं 3 बार बोल दिया तलाक तलाक तलाक। इसी तरह क्रिश्चियनिटी या जैनिज्म बुद्धिज्म है उसमें भी आपको बाय कोर्ट जो है ना तलाक लेना पड़ेगा, आप ऐसे ओरली नहीं कह सकते। और पूरी स्वतंत्रता है जो हिंदू धर्म को प्रोफेस कर रहे हैं लेडीज उनको प्रॉपर्टी में इक्वल अधिकार है, उनके नाम प्रॉपर्टी हो सकती है और प्रॉपर्टी खरीद सकती हैं बेच सकती हैं और जो उनकी अपनी औलाद है उसके लिए भी अधिकार है। और जो इस्लाम है उसमें लेडीज के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं होती और दूसरे धर्मों में सबके अपने पर्सनल लॉज हैं जिसके कारण इन फीमेल्स के साथ क्या होता है डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जो कि इस आर्टिकल 14 का अपोज करता है। इसीलिए जो है ना इन सभी पर्सनल लॉज को खत्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है ताकि सभी लेडीज हैं मेल हो फीमेल हो उन सबको एक जैसे अधिकार मिले। आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। अब ये आर्टिकल 15 है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ क्लियर कट ये कह रहा है कि आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ,
इनके अलावा और भी कोई अगर है तो इसके ग्राउंड्स पे आप किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे। और इसका सबसेक्शन वन है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, यानी जो है ना राज्य है मत भेदभाव नहीं करेगा अगेंस्ट एन सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, धर्म के कारण, अगर अलग धर्म मान रहे हैं या उसका पर्सनल लॉ ये कहता है, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनमें से कोई भी, एनी ऑफ देम या ऑल ऑफ देम, कोई भी हो। और दूसरा सेक्शन कहता है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू। और ये जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, रिलीजन दिया हुआ है, रेस है, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम, इसके कारण जो है ना किसी तरह की डिसेबिलिटी नहीं की जाएगी, लाइबिलिटी नहीं फिक्स की जाए, रेस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप, आपको कोई दुकान खरीदनी है, इसका मतलब जो है जितने भी फीमेल हैं सभी रिलीजन्स की, उनको दुकान में जाने के जो है ना परमिशन है, पब्लिक रेस्टोरेंट पे वो जा सकती हैं, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, जब वो यहाँ पर जा सकती हैं और किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ड्यू टू रिलीजन और एनी अदर फैक्टर, तो क्यों ना यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, ये यहाँ भी UCC को अलाउ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और बी है द यूज ऑफ वेल, टैंक्स, कोई भी कुआ है, तालाब है, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ जनरल पब्लिक, जितनी भी जनरल पब्लिक की सर्विसेज हैं सबको समान अधिकार हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर रहे हैं, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सारी पब्लिक सर्विसेज मिल रही हैं, प्रॉपर्टी के मामले में और संतान के मामले में, मैरिज के मामले में और मैरिज रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, रिलेटेड इश्यूज, इनमें जो है ना समानता होनी चाहिए, इसलिए ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट कर रहा है, ये आर्टिकल 15 भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और सेम रिलीजन में भी भेदभाव है, जो मुस्लिम लेडीज हैं जो क्वालिफाइड हैं और अपना बिजनेस कर रही है और एनी अदर सर्विस कर रही है, उनको कंप्लीट फ्रीडम है, कैसी ड्रेस पहनती है, ड्रेसिंग है, टीसी में उनको कंप्लीट फ्रीडम है, तो वहां सेम रिलीजन में भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है, ताकि सबको एक ही छाते के तहत और बराबर उनको प्रोटेक्शन मिले। आइए ये इसका सब सेक्शन 3 क्या कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, इसी कारण गवर्नमेंट को बार बार अलग एक्ट बनाने पड़ रहे हैं वीमेन और चिल्ड्रंस के लिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये स्पेशल प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे मुस्लिम आरक्षण के लिए अलग बिल लेके आते हैं 5% उनको देंगे, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो उसमें फिर रिलीजन्स का कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, वो सबको मिलेगा आरक्षण, रिलीजन बेस्ड आरक्षण जो है ना प्रोहिबिटेड है, और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद उनको भी आरक्षण मिल जाएगा। नथिंग इन दिस आर्टिकल इन क्लास 2 ऑफ द स्पेशल आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये देखो ये आर्टिकल एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है और सोशली बैकवर्ड क्लासेज हैं और शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाने की परमिशन देता है, इसीलिए परमिशन दे रहा है कि वो बेचारे एक अलग कैटेगरी है और आगे वो फॉरवर्ड नहीं हो पाए, एजुकेशन कम मिली या सोशली बैकवर्ड, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकती है। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका लागू होगा तो ये सारे इश्यूज उसी कोड में जो है ना इंसर्ट हो जाएंगे और बार बार स्पेशल प्रोविजन नहीं बनाने पड़ेंगे। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लास 6 ऑफ क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 19 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन, ये फिर स्पेशल प्रोविजन कहा गया, बाई लॉ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेज ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन including private educational institution whether aided or unaided by the state
other than the minority educational institution referred to in of article 30. ये कह रहे हैं आर्टिकल 13 में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनको छोड़ के बाकी सब के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकता है। अब सिंगल अम्ब्रेला के नीचे आओ ना, ये माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब है इसमें? मान लो केरला है, केरला तो सारा मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियनिटी में चला गया, क्या वहाँ हिंदू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माने जाएंगे हिंदुओं के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? इन सब की क्लैरिटी यूनिफॉर्म सिविल कोड में होनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सबके लिए एक ही कोड हो जाएगा, तो इस तरह के माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ये सब खत्म हो जाएंगे और सब ये एक कानून के तहत आ जाएंगे। नेक्स्ट सी, तो इसी सेक्शन का 15 का ये सब सेक्शन आर्टिकल है, सब आर्टिकल है 6। नथिंग इन दिस आर्टिकल टू सब क्लास 19 ऑफ क्लास 1 ऑफ आर्टिकल 19 और क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम, ये फिर यहाँ स्पेशल प्रोविजन, और ये इसीलिए हो रहे हैं कि पर्सनल लॉज स्टूडेंट कास्ट के लिए और जो आदिवासी उनके लिए अलग अलग जो है ना ये लॉ बना बना के लोगों को बिखरा रख, ठीक है। एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन अदर देन द क्लासेस मेंशन इन क्लासेस 4 एंड 5 एंड बी एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजंस अदर देन द क्लासेस मेंशन इन क्लासेस 4 एंड 5 इन सो फार फॉर एनी सच स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस whether added or unadded by the state other than the minority educational institution referred to in clause 1 of article 30 which in the case of reservation would be in addition to the existing reservations and subject to a maximum of 10% of total seat in each category। yeah, 10% seat ki reservation ka zikr kar rahe hain, sab ko agar educational free kar di jaye aur aage naukri wagaire mein competition kara jaye to ek better provision hoga। और इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखी, फॉर द पर्पज ऑफ दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 16 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शैल बी सच एज मे बी नोटिफाइड बाय द स्टेट फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर ऑफ ए इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज। ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन क्या होगा, यानी सरकार जो है ना एजुकेशन अपलिफ्टमेंट पे फोकस करे रादर देन रिजर्वेशन फॉर द सर्विसेज, सर्विसेज के लिए एक फेयर कंपटीशन कराएगा। नेक्स्ट सीट, अब ये हमारा आ गया आर्टिकल 16 आ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लग जाता है तो उसके बाद सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। और जो ये मदरसे चल रहे हैं ना जहाँ पर एक थर्ड क्लास एजुकेशन दी जाती है, उनको जो है ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भर्ती कराया जाए और वहाँ से जो है ना उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देयर शैल बी इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अब हो क्या रहा है, अपना पर्सनल लॉ है, चार चार पांच पांच मैरिज कर रहे हैं, उसके 12-12 संतानें हो रही हैं, आगे उनको जो अच्छी एजुकेशन मिलती नहीं है, एजुकेशन ना मिलने के कारण उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती नहीं है, और वो जो है ना एक पॉपुलेशन बर्डन देश के ऊपर डल रहा है, और पॉपुलेशन बर्डन से क्या हो रहा है, फिर उनकी जो डिमांड्स पूरी करनी है उसके लिए ज़्यादा इंडस्ट्री चाहिए, और ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी तो फिर क्या होगा, पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। अगर पॉपुलेशन डाउन आएगी तो पॉल्यूशन भी ऑटोमेटिकली डाउन आएगा, क्योंकि जितनी पॉल्यूशन कम होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है ना व्हीकल्स कम होंगी और उनकी नीड के लिए फैक्ट्रीज कम होंगी, जिससे हर तरह का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन सब कम होगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जरूरी है ताकि सबके लिए दो संतान और दो संतान से ज़्यादा करे उसको कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट से किसी तरह का वेलफेयर स्कीम नहीं मिलेगी। ये देश के लिए बहुत ज़रूरी है, देश की तरक्की करने के लिए। पॉपुलेशन बर्डन से जो है ना हर धर्म के, हर रिलीजन के, हर कास्ट के, हर रेस के जो है लोग सारे इफेक्टेड होंगे। नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट,
place of birth, residence or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. ये फिर discrimination का आ गया। जब uniform civil code आ जाएगा तो ये अपने आप cover हो जाएंगे, ये जो clauses हैं articles की ये अपने आप cover हो जाएंगी। और nothing in this article shall prevent a parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office one under the government of or any local or other authority within a state or union territory any requirement as to residence within the state or union territory prior to such employment or appointment nothing in this article shall prevent the state from making any provision for the reservation of appointment post in favor of any backward classes of citizen in which the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. ये जो स्पेशल प्रोविजन की क्लासेज है सारी आर्टिकल 16 की, इसलिए जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जरूरी है। जो हमारी बहनें हैं मुस्लिम रिलीजन प्रोफेस कर रही हैं, उनको जो है ना अगर उनका तलाक कर दे, तलाक 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 करके उसका पति तलाक कर दे और दोबारा उनका आपस में मन मुटाव दूर हो जाता है और वो दोबारा एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, तो उसको फिर हलाला कराना पड़ेगा। यानी हलाला का मतलब है एक रात या 10 दिन हफ्ते दिन किसी दूसरे मर्द के साथ गुजारना पड़ेगा और वैवाहिक संबंध बनाने पड़ेंगे और उसके बाद उसके पास वापिस आ सकती है। कितना जो है ना दयनीय, कितना ये अशोभनीय कृत्य है। इस तरह की सारी जो इरेगुलरिटीज हैं हरेक धर्म में, वो सब जो है ना दूर हो जाएंगी। भ्रांतियां बना रखी हैं, कोई भी कानून जो ना किसी ने, भगवान ने नहीं लिखा, ये आदमी के बनाए हुए हैं और फीमेल हैरेसमेंट के लिए बनाए हुए हैं। सारे सभी फीमेल्स इक्वल हैं, भगवान ने उनको सबको एक जैसी बुद्धि दी, एक जैसा बनाया गया है और इंसान द्वारा लिखे हुए कानूनों से, पर्सनल लॉज से जो है ना उनकी हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए। अब ये 4A है लॉज। Nothing in this article shall prevent the state from making any provision for reservation. 3. In matters of promotions with consequential seniority to any class or classes of post in the services under the state in favor of the ruled caste, ruled tribes, which in the opinion of the state are not adequately represented in the services under the state. ये special provision की clause है, क्लास 4 भी पढ़ते हैं। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम कंसीडरिंग एनी फील्ड वैकेंसीज ऑफ ए ईयर व्हिच आर रिजर्व्ड फॉर बीइंग फिल्ड अप इन दैट ईयर इन अकॉर्डिंग विद एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन मेड अंडर क्लास 4 और क्लास 4A एज ए सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड अप इन एनी सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स एंड सच क्लास ऑफ वैकेंसीज शैल नॉट बी कंसीडर्ड टुगेदर विद द वैकेंसीज ऑफ द ईयर दे आर बीइंग फिल्ड अप फॉर determining the ceiling of 50% reservation of total number of vacancies of that year. इसमें क्लास में ये दे रखा है कि अगर किसी स्पेशल क्लास की वैकेंसीज को किसी साल में नहीं भरा गया है तो उसको आप सक्सीडिंग ईयर्स में भर सकते हैं और वो पिछले साल की ईयर की वैकेंसीज ही मानी जाएंगी, उनको फ्रेश वैकेंसीज के अंदर एडजस्ट नहीं किया जाएगा। यानी आप जो है ना कुमुलेटिव कोटा रिजर्वेशन का भर सकते हो और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो सभी धर्म के लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। जो भी बैकवर्ड क्लासेस हैं ईच उसमें रिलीजन में, वो सब कवर हो जाएंगे। अब ये है हमारा आर्टिकल 17, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जब छुआछूत को दूरी कर दिया गया है तो फिर आपस में फीमेल्स के लिए या मेल्स के लिए डिस्क्रिमिनेशन कैसा, सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC लागू हो जाता है, सभी रिलीजन्स के लिए ये प्रोविजन समान तरह से लागू होगा। Abolition of title. No title not being a military or academic distinction shall be conferred by the state. यानी किसी तरह का टाइटल नहीं दिया जाएगा। No citizen of India shall accept any title from any foreign state. कोई भी भारत का नागरिक बाहर के किसी राज्य से टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। No person who is not a citizen of India shall, while he hold any office or profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from any foreign state. किसी बाहरी राज्य से
राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना कोई भी अपना टाइटल विदेश से स्वीकार नहीं करता। नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट एमोलमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट। यानी ये भी उसी तरह का, बाहर के जो है ना, किसी भी उसकी राष्ट्रपति की मंजूरी के बगैर जो है आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते, चाहे सर्विस हो कुछ भी हो। नेक्स्ट पेज, राइट टू फ्रीडम। अब ये देखो, ये राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल आएंगे, अब 90 नहीं, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट, सभी नागरिकों को अधिकार है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन ये पर्सनल लॉज ने, यहाँ जो पर्सनल लॉज हैं खासकर इस्लाम धर्म में, उन्होंने जो है ना लेडीज की पूरी स्वतंत्रता छीन रखी है, उनको किसी तरह की फ्रीडम नहीं। वो अपनी मर्जी से कोई भी ड्रेस नहीं पहन सकती, मौलवी फतवा जारी कर देते हैं, उनको फ्रीडम है वो जीन्स पहने, कुछ भी पहने, किसी तरह की ड्रेस पहने, वो जरूरी नहीं हर वक्त वो बुरके में रहें, उनकी पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन ये अधिकार दे रहा है यहाँ, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए ना, ताकि उनको सबको एक जैसा कानून मिले और एक जैसी फ्रीडम मिले। ये क्लाज वन का टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उनको भाषण देने, बोलने, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, वे फीमेल्स जो है इस्लाम की या दूसरे यानी उसकी रिलीजन्स की, वो असेंबल हो सकती हैं बगैर हथियारों के और पीसफुली, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, वो अपना एसोसिएशन यूनियन बना सकती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकती हैं ताकि वो अपना कोऑपरेटिव सर्विसेज करें, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के गवर्नमेंट से एड लेके अपना बिजनेस चलाएं, सेल्फ बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया, पूरे भारत देश में वो स्वतंत्रता से घूमें, बुरके में बंद ना रहें, अच्छी ड्रेस से पहने, मॉडर्न सोसाइटी के अनुसार चलें, टू रिजाइड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटोरी ऑफ इंडिया, भारत की किसी भी जगह पर वो रह सकती हैं, टू प्रैक्टाइज एनी प्रोफेशन वो कोई भी करें, लेकिन शादी ब्याह परिवार संबंधित और प्रॉपर्टी संबंधित एक जैसा कानून होना चाहिए, प्रॉपर्टी मैरिज रिलेटेड इश्यूज के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, ताकि फीमेल्स के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना बहुत जरूरी है। और ये जितनी भी महिलाएं वेट पार हो जाएंगी उनको पूरी स्वतंत्रता फ्रीडम रहेगी। और इस आर्टिकल 19 का ये क्लास टू है, नथिंग इन सब क्लास ए ऑफ क्लास वन शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ, कोई भी जो लॉ एग्जिस्ट कर रहा है उसको एप्लीकेबल करने में उसको अफेक्ट नहीं करेगा, और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ, और राज्य को कानून बनाने में जो है ना बाध्य नहीं हो, प्रतिबंध नहीं करेगा। इन सो फार एज सच लॉज इम्पोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाई द सब क्लास इन द इंटरेस्ट ऑफ फॉर द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की जो है ना गणतंत्र और उसकी सामरिकता को प्रभावित नहीं करेगा। दिस कोर्टी ऑफ द स्टेट फ्रेंडली रिलेशन विद ए फॉरन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोर्टिलिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, नथिंग इन सब क्लास बी ऑफ दी सेट क्लास शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इट इम्पोजिज और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग इन इंटरेस्ट ऑफ फॉर द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और पब्लिक ऑर्डर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाई सब सेट क्लास। अब ऑल पार्टी कहती हैं हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, अब सारी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को मान रही है, जब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कोई भी लॉ बनाने के लिए और सबको एक जैसी स्वतंत्रता होनी चाहिए, एक जैसे फैमिलीज इश्यू होनी चाहिए, एक जैसे जो है ना प्रॉपर्टी संबंधित लॉज होने चाहिए, प्रॉपर्टी लॉज एक जैसे होनी चाहिए, तो इसमें क्या एतराज है, अपोजिशन को क्या एतराज, हर चीज में पॉलिटिक्स थोड़ी होती है। ये जो है उसी का ये रिपीटेड आ गया है, ये रिपीटेड पेज है जो पीछे हमने किया था। नेक्स्ट, वो इसमें जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह रहा है, वो कह रहा किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ
ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, रीजन, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ। तो इसमें फिर जब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना तो इसमें फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने में क्या दिक्कत है? सबको मानना चाहिए, सबको एक जैसा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, मैरिज इश्यूज, प्रॉपर्टी सब में एक जैसा होना चाहिए। और ये हमारे 3 चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एडूला मित्रा, एमजे मित्रा, इनको सब्सक्राइब कर देना, घंटी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें, वीडियो को लाइक कर देना, कोई प्यारा सा कमेंट्स डालना। ये चैनल है एडू टेक्नो मित्रा, एडूला मित्रा और एमजे मित्रा। वीडियो को देखने के बाद फॉरवर्ड कर देना आगे और ग्रुपों में शेयर कर देना। ये हमारा आगे आ गया। अब ऑफ द सेड कन्फर्ड बाय द सेड सब क्लास, नथिंग इन सब क्लास सी ऑफ द सेड क्लास शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इट इम्पोजिज और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ फॉर द सोवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पब्लिक ऑर्डर और मोर्टेलिटी रीजनेबिलिटी रेस्ट्रिक्शन मोरेलिटी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाई द सेड सब क्लास। अब ये सब क्लास 5 आ गई। नथिंग इन 5 सब क्लास डी एंड ई ऑफ द सेड क्लास शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ इन सो फार एज इट इम्पोजिज और प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इम्पोजिंग रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ एनी ऑफ द राइट्स conferred by the said subclause either in the interest of the general public or for the protection of interest of any stood tribe। yani iske dwara ye kaha gaya hai ki kisi tarah ka koi bhi kanun state bana ye subclause 6 aa gayi। nothing in subsection g of the said clause shall affect the operation of any existing law in so far as it imposes or prevents the state from making any law imposing in the interest of the general public reasonable restriction on the exercise of the right conferred by the said subclause or in particular nothing in the said subclause shall affect the operation of any existing law in so far as it relates to or prevent the state from making any law relating to the professional or technical qualifications necessary for practicing any profession or carrying on any occupation trade or business। यानी किसी तरह का कोई भी ट्रेड बिजनेस और ऑक्यूपेशन करने के लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन स्टेट फिक्स कर सकता है। द कैरिंग ऑन बाय द स्टेट और बाय ए कॉर्पोरेशन ऑन और कंट्रोल्ड बाय द स्टेट और एनी ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू द एक्सकल्जन कंप्लीट और पार्शियल ऑफ सिटीजंस और अदरवाइज। यहाँ भी एक तरह का कानून बना सकते हैं। तो इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने से सभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने सभी नागरिक एट पार आ जाएंगे मैरिज प्रॉपर्टी और फैमिली रिलेटेड लॉज। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाना बहुत जरूरी है। ये आर्टिकल 20 आ गया हमारा। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, ये प्रोटेक्शन दी गई है। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ एनफोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज an offence nor be subjected to a penalty greater than which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of it। yani jo commission of offence hua hai us time jitni penalty di hui hai usse zyada penalty nahi laga sakte aur agar koi law baad mein aaya hai to uske तहत usko kisi ko charge nahi kar sakte। no person shall be prosecuted or punished for the same offence more than once, yani ek hi apradh mein एक से ज्यादा बार सजा नहीं दी जा सकती। नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, किसी को उसके अपने खुद के खिलाफ जो है ना गवाह नहीं बनाया जा सकता। यह आ गया आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब इसमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दे रखा। अब आप देख लो इस्लाम में क्या है, एक आदमी 5-5 शादियां कर रहा है, 5-5 शादियां करने से 10-10 12-12 हो जाते हैं, 50-60 उनकी संतान हो जाएंगी, उनकी लाइफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ कैसे रहेगी? उनके लिए कोई कमाई का जरिया होगा नहीं है, उनको भरण पोषण पूरा होगा नहीं, कुपोषण होगा और ज्यादा पब्लिक बढ़ने से नीड ज्यादा बढ़ेंगी, इंडस्ट्रीज ज्यादा बढ़ेंगी, सर्विसेज पर बर्डन पड़ेगा। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है ताकि सभी रिलीजन्स के लोग एक या दो संतान पैदा करें और देश के अंदर पॉपुलेशन बम विस्फोट ना हो। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, अब उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी फीमेल्स को उनके अपने लिबर्टी के अनुसार ड्रेसिंग पहनने
फैशन करने की पूरी स्वतंत्रता है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। उनके जो अपने पर्सनल लॉ इस चीज को रोकते हैं, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाएगा तो ये डिस्क्रिमिनेशन दूर हो जाएगा। राइट टू एजुकेशन, सभी को एजुकेशन का राइट है, लेकिन इस्लाम में जो ना लड़कियों को एजुकेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, या वो पर्सनल लॉज जो है अदर रिलीजन्स के जो है इसको रोकते हैं एजुकेशन को। द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को फ्री एजुकेशन सरकार दे ही रही है। इन सच मैनर एज द स्टेट में बाई लॉ और डिटरमाइन, कानून और जैसे भी डिसाइड किया जाएगा उस अनुसार उनको एजुकेशन देनी पड़ेगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेज हैं ये जिसमें प्रोटेक्शन है अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट। नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेंड इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड फॉर सच अरेस्ट, नोर शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाई ए लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ इच वाइज। किसी को भी बगैर बताए आप अरेस्ट नहीं कर सकते, और उसको अपने वकील या फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स वगैरह से कंसल्ट करने की पूरी आजादी है। एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेंड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर, 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द कोर्ट ऑफ द मजिस्ट्रेट एंड नो सच पर्सन शैल बी डिटेंड इन कस्टडी बियॉन्ड द सेट पीरियड विदाउट द ऑथोरिटी ऑफ ए मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की ऑथोरिटी के बगैर 24 घंटे से ज़्यादा उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। लेकिन इसमें जो जर्नी है उसका टाइम एक्सक्लूड है, अगर अदर स्टेट से लेके आ रहे हैं तो आने का टाइम इस 24 घंटे से एक्सक्लूड होगा। नेक्स्ट इसका क्लाज, नथिंग इन क्लाजेज 1 and 2 शैल अप्लाई टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी लाइन, अगर कोई शत्रु है उस पर यह लागू नहीं होगा। टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेंड अंडर एन लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया है उस पर लागू नहीं होगा। नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 3 months, 3 महीने से ज़्यादा डिटेंशन केस में भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में भी नहीं रख सकते। एन एडवाइजरी बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ पर्सन हु आर और हैव बीन और आर क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जजेज ऑफ ए हाई कोर्ट हैज रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दिस सेड पीरियड ऑफ 3 months, 3 महीने का पीरियड खत्म होने से पहले हाई कोर्ट के जज को रिपोर्ट किया जाएगा दैट देयर इज इन इट्स ओपिनियन सफिशियंट काज फॉर सच डिटेंशन। 3 महीने की डिटेंशन में उसको किस लिए रखा है वो सफिशियंट काज जो है ना आपको मेंशन करना पड़ेगा। और क्लाज 4 शैल स्टैंड सब्स्टिट्यूटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1970 सेक्शन 3, डेट येट टू बी नोटिफाइड, इसको अभी नोटिफाइड किया जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट तो हो गया था। नेक्स्ट पेज, नो लॉ टू प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज डिटेंशन फॉर ए पर्सन फॉर ए लॉन्गर पीरियड देन 2 months अनलेस एन एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द रिकमेंडेशंस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट हैज रिपोर्टेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द सेट पीरियड ऑफ 2 months दैट देयर इज इन इट्स ओपिनियन सफिशियंट काज फॉर सच डिटेंशन। जहाँ पे बोर्ड बन चुका है वहाँ 2 महीने से ज़्यादा डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा और चीफ जस्टिस ऑफ अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाएगा विद सफिशियंट काज ऑफ सच डिटेंशन प्रोवाइडेड दैट एन एडवाइजरी बोर्ड शैल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन। एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाएगा चेयरमैन की चेयरमैनशिप में नॉट लेस देन 2 other members एंड द चेयरमैन शैल बी ए सर्विंग जज ऑफ द अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट एंड अदर मेंबर शैल बी सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ एनी हाई कोर्ट। यानी एक बोर्ड बनाया जाएगा जिसमें सर्विंग जज तो चेयरमैन होगा अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट का और 2 member होंगे ये सर्विंग जज होंगे ऑफ अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट अप्रोप्रिएट हाई या फिर रिटायर्ड जज। नेक्स्ट सीट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग इन दिस क्लास शैल ऑथराइज्ड अ डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर सब क्लास ए ऑफ क्लास 7 एग्जामिनेशन इन दिस क्लास अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट मीन्स। अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट का क्या मतलब ये एक्सप्लेनेशन है, इन द केस ऑफ द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन इन पर्सुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एन ऑफिसर
और अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू दैट गवर्नमेंट दी हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटोरी ऑफ दिल्ली। अगर ये केस है तो इसमें दिल्ली की हाई कोर्ट जो है ना अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट होगी। इन द केस ऑफ द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन मेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एन स्टेट अदर देन ए यूनियन टेरिटोरी दी हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। अगर स्टेट का एम्प्लॉई होगा तो हाई कोर्ट ऑफ स्टेट होगी। इन द केस ऑफ द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन इन परसुएंस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन मेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटर of a union territory or an officer or authority subordinate to such administrator such high court as the case may be specified or under any law made by the parliament in this behalf। इसमें specified की जाएगी अगर detention made by the administrator or union territory में होगा तो। ये इसमें provision दिए गए हैं detention के और फिर uniform civil code लागू हो जाएगा तो ये सब के लिए समान रूप से लागू होंगे सब पे, सभी धर्म के मेल फीमेल। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब क्लॉज शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एनी पर्सन बियॉन्ड द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर सब क्लॉज बी ऑफ क्लॉज 7 और सच पर्सन इज डिटेंड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर सब क्लॉज 8 एंड बी ऑफ क्लॉज 7 व्हेन एनी पर्सन इज सब क्लॉज आएगी 5 when any person is detained in pursuance of an order made under any law providing for preventive detention the authority making the order shall as soon as may be communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall afford him the earliest opportunity of making a representation against the order। jis person ko detained kiya gaya hai usko timely inform kiya jayega taki wo apni representation order ke against de sake। nothing in clause 5 shall require the authority making any such order as is referred to in that clause to disclose facts which such authority consider to be against the public interest to disclose। यानी जो भी facts हैं उसको disclose किया जाएगा और uniform civil code आने के बाद ये सब पर समान रूप से लागू होगा, कोई भी anomaly होगी वो खत्म हो जाएगी due to religion। Parliament may by law prescribe। Parliament जो ना कोई भी ला प्रिस्क्राइब कर सकते। द सर्कमस्टांसिस अंडर विच एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस इन विच ए पर्सन मे बी डिटेंड फॉर ए पीरियड लॉन्गर देन 3 मंथ। गवर्नमेंट पास कर सकती है 3 महीने से ज़्यादा अगर डिटेंशन में रखना अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सच ए क्लास ए ऑफ क्लास 4। यानी इस केस में बोर्ड की मंजूरी की जरूरत नहीं है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन मे इन एन क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस बी डिटेंड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाई एन एडवाइजरी बोर्ड इन एन इंक्वायरी अंडर सब क्लास ए ऑफ द क्लास 4। ये उसका इंक्वायरी का प्रोसीजर दिया हुआ। इसलिए जो है ना ये टाइम की मांग है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए ताकि सभी नागरिकों पर समान नागरिक संहिता होगी तो एक रूपता आएगी देश में, एक देश एक कानून की तरफ हम बढ़ेंगे। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन, ये तो एक्सप्लाइटेशन के राइट्स हैं, इनका जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड से वैसे कोई संबंध तो है नहीं। आर्टिकल 23 प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, यानी ये फोर्स्ड लेबर से रिलेटेड है। ये ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बैगर और अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड कंट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यानी ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं और पनिशेबल हैं इन अकॉर्डेंस विद लॉ। इसकी क्लास 2 नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पजेज एंड इन इम्पोजिंग सच सर्विसेज The state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste, or class, or any of them. अगर इन factors पे कोई भी discrimination नहीं करना है तो फिर uniform civil code लाने में क्या दिक्कत है? Uniform civil code इससे जो है ना सभी females को females of all religion उनको freedom मिले, उनको बिचारों को सदियों से उनको हैरेस किया जा रहा है उससे उनको मुक्ति मिलेगी, इसलिए यूसीसी जरूरी है। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में जो है ना चाहे किसी भी रिलीजन के हों उनका फैक्ट्रियों में काम करवाना बच्चों द्वारा
वो प्रोहिबिटेड है. नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट. जो भी हैजार्डियस एम्प्लॉयमेंट है, फैक्ट्री माइन है, उनमें उनको 14 साल से नीचे के बच्चों को हमें नहीं रख सकते. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आपका रिलीजन की फ्रीडम. रिलीजन का मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस पहनना, ये रिलीजन नहीं है. अभी एक पर्टिकुलर टाइप की ड्रेस पहनना या बुर्का पहनना है या कुछ और पहनना, रिलीजन का मतलब है कि वे ऑफ प्रे. बस हमने भगवान की प्रार्थना किस तरह से करनी है और उसकी किस रूप में करनी है, ठीक है. इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद नो चेंज इन रिलीजन प्रोफेसिंग, यानी आप जो पूजा पद्धति अपना रखी है, आप जैसे रह रहे हो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का. वो आप बना अपना अपना ही रख सकते हो. फ्रीडम ऑफ कंसियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, ये इफेक्ट नहीं होगा. जो ये मौलाना वगैरह है या और कोई धार्मिक नेता है किसी और अदर रिलीजन के या पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर हैं, ये लोगों को बहका रहे अपने वोट के चक्कर में, इस पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर मोरलिटी एंड हेल्थ एंड टू द अदर प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट ऑल पर्सन आर इक्वली एंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द राइट फ्रीली टू प्रोफेस प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा. Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law. ये पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with the religious practice. ये as it is रहेंगी. Providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religion institution of a public character in all classes and sections of Hindus. Explanation, the wearing and carrying of kirpan shall be deemed to be included in the pro. ये religion से related है, इन पर uniform civil code का कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Article 26, freedom to manage religious affair. आप जो religious affair आप manage कर रहे हो, वो ऐसे ही रहेंगे, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. टू पब्लिक ऑर्डर मॉरेलिटी एंड हेल्थ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ शैल हैव द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेज टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन टू ऑन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. सिर्फ इस पर फर्क पड़ेगा क्योंकि जो सभी धर्म की फीमेल्स हैं उनको प्रॉपर्टी का राइट मिलेगा, उनको जो है ना मैरिज संबंधी स्वतंत्रता मिलेगी और जो उनकी औलाद होंगी, बच्चों के बारे में समानता आएगी, सभी को दो बच्चे टू चाइल्ड पॉलिसी लेनी पड़ेगी ताकि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो और देश पर पॉपुलेशन बम ना पड़े. टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ, कानून के अनुसार जो भी प्रॉपर्टी है वो सभी रिलीजियंस की फीमेल और मेल इन सबको बराबर अधिकार होंगे. तलाक देना है, शादी करनी है, कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये सब की स्वतंत्रता होगी और एक मैरिज अलाउड होगी. ये देश के लिए जरूरी भी है. हम यार कोई जानवर थोड़ी हैं, हम पढ़े लिखे इंसान हैं, हमने सभी चीज़ों का नेचर का सबका ध्यान रखना, तो पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा और सबके लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी. नेक्स्ट गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में क्लैरिटी होगी. इसमें किसी तरह की भ्रांति नहीं है. ये जो रिलीजियस लीडर हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, ये आप लोगों को गुमराह करते हैं और इस्लाम का तो बुरा हाल कर रखा है इन्होंने वोटों के चक्कर में. मुस्लिमों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया, उनको पिछड़ाया हमेशा, वोट बैंक बना के रखा है और उनकी किसी तरह की कोई तरक्की नहीं की है. और प्रेजेंट गवर्नमेंट तो बहुत सपोर्ट कर रही है मुस्लिम को, इसलिए जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड पे किसी तरह का भ्रांति नहीं होनी चाहिए और इसको लागू होने देना चाहिए. सभी लोग ला कमीशन को अपने सुझाव दे सकते थे. उनका कल तक का टाइम है, 13 जुलाई तक का, और अच्छी तरह ड्राफ्ट बनेगा, डिस्कस भी होगा पार्लियामेंट में और किसी तरह की कोई कमी बेसी होगी और दूर भी होगी. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस पर काफ़ी क्लैरिटी होगी. और ये हमारे 3 चैनल हैं, एडू टेक्नो मित्रा, एम जे मित्रा, एडुला मित्रा.
इन तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को देखने के बाद लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, ग्रुपों में, और चैनल सब्सक्राइब कर देना, घंटी जरूर दबा देना ताकि वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आ जाए। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।